भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के संभावित प्रत्याशी की सूची वायरल हो रही है, उसमें आपको क्या कमी दिखाई देती है, क्या लगता है आपको? देखिए, कमी की बात अगर की जाए तो प्रमुख रूप से मुझे जो कमियां लगती हैं वो ये लगती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं और इनके जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि योग्य और नए प्रत्याशियों को अवसर दिया जाएगा, ऐसे चेहरे जिनकी वजह से पार्टी की अस्वीकार्यता हुई है जन सामान्य के बीच में, उन्हें अवसर नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसे कि जो संभावित सूची वायरल हो रही है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के हलके में पूरे छत्तीसगढ़ में ही कई सीटों पर विवाद की स्थिति है, ये चीज़ें इन्हीं परिदृश्य के कारण बनी है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे नामों को लिस्ट में संभावित प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है जिनकी अस्वीकार्यता पूरे छत्तीसगढ़ में थी। जैसा कि घोषणा पत्र की, अगर पिछले चुनाव में घोषणा पत्र की अगर आप बात करते हैं कांग्रेस के, और अगर आप कहते हैं कि गरीब और किसान को फायदा देने वाले घोषणा पत्र के कारण भाजपा को हार मिली थी और कांग्रेस को जीत मिली थी, ठीक है, लेकिन शहर की जनता, जिस शहरी वोटर को भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है, उस शहरी जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में अस्वीकार किया था, उसके पीछे में कुछ प्रमुख चेहरे थे। अब आप एक बात देखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता की सीडी वायरल हो गई, जिसे भूपेश बघेल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया था, जिसके चलते भूपेश बघेल जी को सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया था, और दो दिन बाद पूरे जोर शोर से जेल से उनकी रिहाई हुई थी। और एक तरीके से कहा जाए तो भूपेश बघेल जी के का जो चेहरा चमका था, जो एक क्रांतिकारी वाला चेहरा उनका सामने आया था, वो उनकी इस जेल यात्रा के बाद में ही सामने आया था। अब जैसे रायपुर के उत्तर सीट की अगर बात करते हैं, वहां पे अभी तक दो बार से भारतीय जनता पार्टी ने सिंधी समाज के प्रत्याशी को अवसर दिया था, श्रीचंद सुंदरानी जी को, इस बार वहां से उन्होंने, जो अभी संभावित सूची वायरल हो रही है उसमें पुरंदर मिश्रा जी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन अगर वहां पुरंदर मिश्रा जी का नाम सामने आ रहा है और अगर सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व की बात है, तो श्रीचंद सुंदरानी की तुलना में बिलासपुर की सीट में सिंधी समाज से ही तैयारी करने वाले डॉक्टर ललित माखीजा, वो बहुत अच्छा नाम हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बिलासपुर में उनकी स्वीकार्यता भी है, पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास भी बिलासपुर में किया है, और अमर अग्रवाल की जगह अगर उन्हें वहाँ प्राथमिकता दी जाए तो निश्चित रूप से बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का समीकरण बन सकता है। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हैं ऐसा सुनने में आया है, तो उनकी छवि भी बहुत अच्छी है जनसामान्य के बीच में, उन्होंने काम भी बहुत किया है, तो जो सिंधी समाज से प्रदेश में नेतृत्व की एक बात आ रही है, तो अगर डॉक्टर ललित माखीजा को अवसर दिया जाता तो प्रदेश स्तर पर जो शायद भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मतदान की बात सिंधी समाज कर रहा है वो बात शायद नहीं करते। अब रही बात अगर हम भिलाई में करें, तो भिलाई में भी प्रेम प्रकाश पांडे जी का चेहरा पिछली बार जन सामान्य ने अस्वीकार कर दिया था, रायपुर में राजेश मूढ़त को अस्वीकार कर दिया था, कसडोल का नाम हालांकि अब तक ऐसा सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक पुराने सारे नाम और अगर रमन सिंह जी की लॉबी से ही बात की जाए, तो इसमें संभव है कि गौरीशंकर अग्रवाल जी को भी टिकट मिल सकती है, और गौरीशंकर अग्रवाल जी पिछली चुनाव में जिस तरीके से हारे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस बार भी उनकी स्वीकार्यता उस स्तर पर नहीं लगती है। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ राजनीतिक हलकों में जो एक चर्चा है, वो चर्चा ये है कि सौदान सिंह, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ से, और रमन सिंह के एक तरीके से वे पालक भी थे, राजनीतिक पालक कहना चाहूंगा, पालक गलत शब्द होगा, राजनीतिक पालक भी हुआ करते थे, राजनीतिक संरक्षक हुआ करते थे, या संघ की दृष्टि से संरक्षक हुआ करते थे, अभी भी राजनीतिक रूप से रमन सिंह का कद बनाए रखने में, और जो ये संभावित सूची दिख रही है अगर उस पर हम ध्यान दें, तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर चेहरे वही हैं जिन्हें डॉक्टर रमन सिंह अपनी लिस्ट में देखना चाहते थे। लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यह भी है कि अगर ये रमन सिंह जी के ही चहेतों की लिस्ट थी, तो फिर रमन सिंह जी के ही एक अभिन्न मित्र और बड़े मीडिया घराने से जुड़े हुए पत्रकार ने इस सूची को वायरल क्यों कर दिया?
अच्छा, इसमें आपको कितनी सत्यता लगती है जो वायरल हुई सूची है, और क्या इसमें प्रत्याशी बदले जाने की संभावना है? देखिए, जो सूची है उसमें कितनी सच्चाई है, ये हमारी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अगर आप गतिविधियों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जिस तरीके से कहीं खुले तौर पे तो कहीं बंद दरवाजों में गुप्त बैठकों में विरोध का दौर चल रहा है, और जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में कई सीटों में, लगभग 25 से 30 सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और पत्रकारों से हमारी चर्चा हुई है, तो उनका कहना है कि 35 से 40 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान इस गलत टिकट वितरण का देखने को मिलेगा। और जो टिकट बदलने की बात आप कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए संभावित सूची अगर सत्य है तो इनमें से किन चेहरों को बदला जा सकता है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है तो राजनीतिक हलकों में और जनसामान्य और पत्रकारों के बीच में जो चर्चा है उसके अनुसार तो इनके बड़ी संख्या में टिकट बदलने पड़ेंगे, चेहरे बदलने पड़ेंगे। और अगर ये अपने लोगों को अवसर देना चाहते हैं तो संभव है कि कुछ छोटे लोगों को बलि का बकरा बना दें और ये दिखाने का प्रयास करें कि मीडिया में जो लिस्ट वायरल हुई थी वो सत प्रतिशत सही नहीं है। जनसामान्य में ये भी चर्चा है कि ये जो सूची वायरल हो रही है इसे भाजपा जानबूझकर करा रही है। ऐसा लोगों का कहना है कि भाजपा ऐसा जानने का प्रयास कर रही है कि हमने जिन नामों पे टिकट का वितरण किया है उसमें कितना विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। आज देश के शीर्ष में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो देश का नेतृत्व कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या तो गठबंधन में है या प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में है या फिर मुख्यतः से प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही है। ऐसी पार्टी ऐसी हरकत करेगी, इस चीज की संभावनाएं तो मुझे बहुत क्षीण लगती हैं। लेकिन हाँ, किसी समीकरण के चलते किसी राजनेता ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हुए लिस्ट को लीक कराया हो, इस चीज की बहुत अधिक संभावना है। तो क्या लगता है, इसकी जांच होनी चाहिए जिसने लिस्ट को वायरल कराया? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पार्टी स्तर पे इसके लिए एक जांच समिति का गठन करना चाहिए, और अगर सूची लीक हुई है तो उनको जांच करना चाहिए, और जो भी इसके लिए दोषी हैं उसके विरुद्ध उन्हें अनुशासन का कड़ा डंडा चलाना चाहिए, जिससे पार्टी में एक मिसाल कायम हो सके। चाहे वो बड़ा चेहरा हो या छोटा चेहरा हो, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।